आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने समुद्र किनारे जाकर 6 वर्षों तक एकांत में अपना जीवन व्यतीत किया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 2 अप्रैल को संपूर्ण कलीसिया पौला के संत फ्रांसिस का पर्व मनाती है। उनका जन्म 1416 में इटली में हुआ था। उनके माता पिता पवित्रता का जीवन व्यतीत करते थे और उन्हीं गुणों को उन्होंने अपने पुत्र को अर्पित किया और जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन प्रभु में बिताया। पौला के संत फ्रांसिस के माता पिता ने उनके जन्म से ही पहले संत फ्रांसिस असीसी की मध्यस्थता से प्रार्थना की थी कि अगर उनको पुत्र होगा तो वे संत फ्रांसिस असीसी के पास आकर उस पुत्र को अर्पित करेंगे। उन्हें कई वर्षों बाद पुत्र उत्पन्न होता है और वे उसका नाम फ्रांसिस रखते हैं और वे बाद में जाकर पौला के संत फ्रांसिस बनते हैं। बचपन में पौला के संत फ्रांसिस की आंखें कमज़ोर थी और उन्होंने संत फ्रांसिस असीसी की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हुए फिर से देखने के लिए दिव्य दर्शन पाए। 13 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना जीवन आज्ञाकारिता में, प्रभु के प्रेम में एवं अन्य प्रकार के शुभ कार्यों को करते हुए बिताएंगे। उन्होंने अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा की। वे रोम गए और प्रभु के पवित्र स्थलों का उन्होंने दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे एक समुद्र के पास में जाकर वहां पर 6 वर्षों तक अपना जीवन एकांत में बिताएंगे। वे एक गुफा में रहकर वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पौला के संत फ्रांसिस ने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था मिनिम्स। 1435 में उनके साथ उनके 2 और शिष्य जुड़ गए और उसी के साथ उन्होंने 3 कुटिया की स्थापना की जिसमें रहकर वह निर्धनता और दरिद्रता का जीवन जीते हुए लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना किया करते थे। पौला के संत फ्रांसिस के जीवन में कई चमत्कार हुए। लोग उनके पास में हर दिन आया करते थे और उनके मध्यस्थता से प्रार्थना करने पर उनके जीवन में कई चमत्कार होते थे। कई बीमारियों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती थी। पौला के संत फ्रांसिस ने अपने जीवन में कई भविष्यवाणियां की और वह भविष्यवाणियां सही साबित हुई। उनकी संस्था के जीवन से इटली एवं सिसिली के लोगों का जीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनकी मृत्यु के 400 साल बाद फ्रांस, जर्मनी एवं कई देशों में उनकी संस्था का विकास होता चला गया। उनकी मृत्यु के 3 महीने पहले ही उन्हें पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। 3 महीने पहले ही वे अपने आप को एकांत स्थान में ले जाकर वहां प्रार्थना करते थे और उन्होंने अपना जीवन बहुत ही प्रार्थनामय एवं प्रभु की आशीष एवं कृपा के साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उनकी मृत्यु पुण्य शुक्रवार को 91 वर्ष की उम्र में हुई। उनकी मृत्यु के बाद 1 मई 1519 में संत पिता लियो 10वें ने उन्हें संत घोषित किया। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी पवित्रता पूर्ण हो और प्रभु के बताए हुए जो मार्ग है उन्हीं मार्गों पर हम चलने का निरंतर प्रयत्न करते रहें।